हेलो नमस्कार खुशामदीद वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन दिस इज उत्कर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग उत्कर्ष मिश्रा लाइफस्टाइल। मैं अभी कमेंट्स में देख रहा हूँ कि पिछली वीडियो जो मैंने प्रमोशन के ऊपर डाली है कि हम सबको जनरल प्रमोशन मिल गया, तो उस पर कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेनली तीन पॉइंट पे कमेंट्स आ रहे हैं, उन पे अब हम बात करेंगे। तो बस आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। वीडियो सही लगे हो तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। बात यह है कि AKTU हो गया या कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि अलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथोराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सीधे सीधे UGC के जो भी गाइडलाइंस थे जो उनको सीधे सीधे वो पालन करेगी और आप सबको जनरल प्रमोट कर देगी। दूसरा पॉइंट ये है कि डी फार्मा मेडिकल स्टूडेंट्स, इन सब की जो बात हो रही है, देखो ये सब भी बिल्कुल पास हो जाएंगे, इन सबको भी जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, इस पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। सब लोग पास हो रहे हैं और इनको ही पास कर देंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल मेरे कमेंट्स बॉक्स में आ रहा है और जो लोग आप लोग का डाउट है वो ये है कि हमारी पिछले साल बैक आई है, हमारी पिछले साल ईयर बैक आई है या हम एक्स के स्टूडेंट हैं, तो क्या हमको फिर से फेल कर देंगे, क्या हम अगली क्लास में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या हमको आगे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या बाकी सब बच्चों को ये प्रमोट कर देंगे लेकिन जो बैक वाले ईयर बैक वाले और एक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमोशन का हिंदी में मतलब होता है प्रोन्नत, और प्रोन्नत का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी आपका इंस्टीट्यूट आपको खुद आगे भेज रहा है, आपको प्रमोट कर रहा है। मतलब कि ये जब भी आप देखते होगे रिजल्ट तो तीन आते हैं उसमें, पास फेल्ड या फिर जिसे ग्रेस बोल देते हैं या प्रोमोटेड बोल देते हैं। तो पास मतलब कि आपने बिल्कुल सही लिखा पेपर में और आपने दम में पास हो गए हो। फेल मतलब कि आप उतने मार्क्स नहीं लाए, आपको उतनी नॉलेज उनको नहीं समझ में आया तो आपको कर दिया है फेल। और प्रमोटेड या ग्रेस दे देने का मतलब होता है कि आप कुछ नंबर से, एक दो नंबर से पीछे रह रहे थे तो यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रमोट कर दिया ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। तो अब ये सेम चीज़ है कि आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आपके पिछले बार फेल हुए थे, बैक आई थी, ईयर बैक आई थी, आप एक्स के स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रमोशन मिलेगा आपको भी, आप भी अगले पड़ाव में, अगली क्लास में, या जो भी आपका रिस्पेक्टेड आगे है आप उसमें प्रमोट कर दिए जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ यूपी में हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक राज्य सरकार यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि CSJM हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दीज आर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिन पे कल फैसला सुना दिया गया और सबको कर दिया गया है पास। दूसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, शायद AKTU भी सेंट्रल में आती, मुझे बिल्कुल साफ साफ नहीं पता, लेकिन जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सीधे सीधे UGC के नियमों का पालन कर लेंगी, तो तब भी आप प्रमोट हो गए। और तीसरी बात डी फार्मेसी की बात हो रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि फार्मा के स्टूडेंट क्या प्रमोट हो गए, तो पूरा पैरामेडिकल भी प्रमोट होगा, फार्मा प्रमोट होगा, बाकी जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं वो सब प्रमोट हो जाएंगे। सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के MBBS, MS, MD इसी कोई जानकारी अभी इसमें नहीं आई है, लेकिन बाकी जो सेवरल इंस्टीट्यूट के जितने भी कोर्सेज हैं आप सब प्रमोट होने वाले हो। तो अब घबराना बंद कर दो, इन्जॉय करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू टू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट जनरल प्रमोशन। और अब टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दो, मैंने शायद आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने एक दोस्त के साथ जरूर जरूर शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो बाकी हम लोग मिलते रहेंगे अपने आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, दूसरा ख्याल रखो, मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड लिव हेल्दियस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ।